गाइस, सो हम लोग आ चुके हैं भारतीय चिकित्सा परिषद और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आपकी बीएमएस कंप्लीट हो जाती है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको पूरी वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और चलो उसके साथ मैं आपको बताती हूं कि यहां पे हम लोग अभी कैसे आए हैं और इसके अंदर आपको क्या क्या करवाना है। और यहां पर हम लोग पहुँच चुके हैं भारतीय चिकित्सा परिषद, तो जिसकी इंटर्नशिप शुरू होती है उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जो कि एक साल के लिए टेम्प्रेरी वैलिड होता है, तो उसी के बेस पे फिर आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। तो ये भारतीय चिकित्सा परिषद पहुंचने के बाद हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने पूरे सारे जितने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उन सबको आगे कंपाइल कर दिया है वीडियो में, छोटी छोटी वीडियोज़ के थ्रू। तो आप देख सकते हो फॉर्म मिलता है आपको जो कि वहाँ पे फिल करना हो, तो ये वेटिंग एरिया, यहाँ पे हम बैठ के वेट कर रहे थे कि कब हमारा फॉर्म सबमिट हो और फिर हमें आगे सारी डिटेल पता चले। एंड फाइनली यहाँ पर वेट करते करते हमारा काम हो गया और ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरा कॉलेज का नोटिस, जो कि उसके बाद हमें मिलते हैं सारे मार्कशीट वगैरह। हमारी चारों साल की मार्कशीट आपको लगानी होती है जिसमें अपना रिजल्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और एक डीडी लगता है 2650 रुपये का, और डीडी के साथ साथ एफिडेविट आपको बनवाना होता है एक, ये कोर्ट से बनवाया है फिर भी बन जाएगा जो भी आपके आसपास हो। उसके बाद आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज से प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड एक ये पूरा फॉर्म जो मिला है हमें, ये वहीं से मिला, कोर्ट से मिला है, ये पूरा आपको भर के लगाना होता है। इसके बाद ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया मेरा, एंड नेक्स्ट ये जो है मेरा डोमिसाइल हो गया कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिसमें उत्तराखंड से हो तो मेरे उत्तराखंड का सर्टिफिकेट, ये एक इसमें आधार कार्ड की कॉपी एंड 10th 12th की मार्कशीट लगनी होती है। और उसके बाद ये पूरा फॉर्म है जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद से मिलेगा और इसमें आपको सब कुछ फिल करना है। सब डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करने के बाद फिर यही था सब छोटी सी डिटेल की आपको क्या क्या फिल करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और वो भी कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं।